अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग स्टॉक्स बाइंग। अच्छा, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको ये बात बता चुका हूँ कि कई बार किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आप दूसरे स्टॉक को भी देखा करें। लाइक मैंने कहा था आपको, पार्क सुजुकी मोटर्स का जो शेयर है, अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली टायर्स जनरल टायर के लगते हैं, बैटरी एक साइड की लगती है तो उसे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरह है ना, अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज को भी देख के इन्वेस्टमेंट करनी है, कॉम्पिटिटर कंपनीज को भी। अब जैसे मेरा एक एनालिसिस है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जो है ना, टेक सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, उस टेक्नोलॉजी सेक्टर में है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो बड़ी मशहूर कंपनीज हैं। एक है नेटसॉल, आप सबने नाम सुना होगा नेटसॉल टेक्नोलॉजीज, और एक है AVN, एवेंसियन लिमिटेड। सही है। अच्छा, लोगों का एक अंदाज़ा ये है, और जब हम इसकी असेसमेंट वगैरह भी देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी देखते हैं, बिजनेस लाइंस भी देखते हैं, तो नेटसॉल टेक्नोलॉजीज जो है ना, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, ठीक है। और एवेंसियन टेक्नोलॉजीज बड़ी है, लेकिन नेटसॉल के मुकाबले में काफ़ी छोटी कंपनी है। नेटसॉल टेक्नोलॉजीज बहुत बड़ी कंपनी है, और एवेंसियन AVN जो है ना, वो उसके मुकाबले में ज़रा साइज उसकी कम है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़ का शेयर जो है ना, वो 60 रुपीज़ का है। नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़ का शेयर कितने रुपीज़ का है बेटा? 60 रुपीज़ का, ठीक है। एवेंसियन जो उससे बहुत छोटी कंपनी है ना, उसका शेयर और नेटसॉल का शेयर, पास में पता है क्या होता था कि नेटसॉल का शेयर 60 रुपये का है ना, तो एवेंसियन का शेयर 30 रुपये का। ये मैं आपको पास की बात बता रहा हूँ कि नेटसॉल का शेयर 60 रुपये का है, तो AVN एवेंसियन का शेयर 30 रुपये का, आधो आंध का फर्क था। अभी रिसेंटली हमने पिछले 1-1.5 महीने में विटनेस किया है कि एवेंसियन का शेयर जो है ना, वो बढ़ बढ़ के तेज़ी से ना 50 रुपये पे आ गया। नेटसॉल का शेयर 61 रुपीज़ पे खड़ा हुआ है, और एवेंसियन का शेयर 50 रुपीज़ पे आ गया। ये एक आपको सिग्नल देता है, साइन देता है कि आप नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़ का शेयर बाय कर लो, वो बढ़ेगा। सारे कैसे बेटा, सोचो, पहले आधो आंध का फ़र्क होता था। तो एवेंसियन जो उससे बहुत छोटी कंपनी है साइज में, अगर वो 50 रुपीज़ पे आ गए, तो नेटसॉल पास प्रैक्टिस के मुताबिक उससे डबल, 100 रुपये का होना चाहिए था ना, और है कितने का? 60 का। तो एवेंसियन तेज़ी से बढ़ के ऊपर आ गया ना, जो उसके मुकाबले में छोटी कंपनी है, तो नेटसॉल भी कभी ना कभी तेज़ी से बढ़ेगा। ये एक आपको माइंड सेट रखना होगा इन्वेस्ट करते टाइम, कि मैं एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते टाइम दूसरी चीज़ को लास्ट मन देंगे, ठीक है। इसी तरह आप सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई लक्की सीमेंट बहुत बड़ी कंपनी है, और लेट सपोज उसके मुकाबले में एक बहुत छोटी कंपनी है जो उसके मुकाबले में 20-30% मार्जिन रखती है। जब लक्की सीमेंट का शेयर 100 रुपये का था, उसका शेयर लेट सपोज 20 रुपये का था, तो बेटा अगर उसका शेयर बढ़ बढ़ के 50-60 का हो गया ना, तो सूनर और लेटर, डिफरेंस तो साइज में है ना, लक्की सीमेंट के शेयर ने भी अपनी जगह बढ़नी पड़ेगी। तो ये साइन है कि भाई आप लक्की सीमेंट के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड असल में ना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। यहाँ लोग पैसा लूज भी बहुत करते हैं और बहुत तेज़ी से कमाते भी हैं। तो एक बात याद रखिएगा, फॉर्च्यून अगर आपने कमाना है ना, फॉर्च्यून अर्न करना है, तो वो रियल स्टेट में पॉसिबल है, स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है कि आप तेज़ी से पैसा कमाएं। लेकिन वही बात है, एवरी रिवॉर्ड कैरीज रिस्क, कि जब आप तेज़ी से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो तेज़ी से पैसा गंवा भी सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी प्रॉपर लर्निंग, जैसे मेरी वीडियोज है, इसके अलावा और बहुत सारे लोगों की वीडियोज है, वो सब देखें, सीखें और दैन समंदर में कूदें, ठीक है जी। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, प्रीवियस भी काफ़ी वीडियोज हैं। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें। टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।